Assalamualaikum viewers, Umar Akhtar from stocksandequities.com.pk. Today is February 26, 2021 and we had a correction or a red session today. Aapka jo KC100 index hai, it was down by 0.22%, 100.61 points, and it closed on 45,865.02. Aapka jo overall traded volume tha, wo 233.08 million shares ka kaam hua. Agar aap week on week basis pe dekhe, to we had a bearish week. As compared to last Friday, हमारा जो index है, it was down by 8% और 360 something points से नीचे हमें index मिला है. तो I can categorize, और हम ये expect भी कर रहे थे क्योंकि FATF का review था और इस week में, और we were expecting कि इस किस्म के हमें छोटे मोटे recession मिलेंगे. और क्या आपको याद होगा तो technicals भी हमें वो बता रहे थे कि शायद एक थोड़ी सी एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, और हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं जो ओवरबॉट लेवल्स पे हैं, वो शायद इसी वीक में अपने आप को एडजस्ट करेंगे. मगर आई रिमेंबर उससे पहले भी उन्होंने आपको काफ़ी एडजस्ट किया हुआ था. हम भी अपने टेक्निकल इंडिकेटर्स देखेंगे, और दो चूँकि ये आप वीकली वीडियो है तो इसमें मैं आपके साथ थोड़े से फंडामेंटल्स भी डिस्कस करता हूँ. एक तो इसमें हम थोड़ा सा FATF के रिव्यू को हम थोड़ा सा आज काफ़ी डिस्कस करेंगे. उससे पहले मैं आपके साथ थोड़े से फंडामेंटल्स देख लूँ. तो प्राइस टू अर्निंग इस टाइम हमारे जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की है वो है 7.2 टाइम्स, और एशिया पैसिफिक की ऑन एवरेज जो है वो 17.1 टाइम्स है. तो वी आर बहुत अच्छी हमारी प्राइस टू अर्निंग है. डिविडेंड यील्ड हमारी स्टॉक मार्केट ऑफर करी है 6.8% की, और जो डिविडेंड यील्ड ऑन एवरेज है एशिया पैसिफिक रीजन की वो 2.5% की है एज ऑन दिस डेट. पॉजिटिव में अगर आप देखिए तो FATF ने अपना स्टेटस को रखा पाकिस्तान के लिए ग्रे लिस्ट का. मैंने इसको पॉजिटिव भी लिया जा रहा है, इसको नेगेटिव भी लिया जा रहा है. पॉजिटिव इसको इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि हमने काफ़ी चीज़ों पे कंप्लाई कर दिया, सिर्फ 3 पॉइंट्स रह गए. इससे पहले 6 पॉइंट्स थे जो पार्शियली कंप्लाइड थे, अब 3 पॉइंट्स रह गए हैं. तो इसको इस तरह इंटरप्रेट किया जा रहा है कि अब शायद जून के रिव्यू में बड़े ब्राइट चांसेस हैं कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में निकल जाए. तो हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि पॉसिबल है कि नहीं. और फर्दर अगर आप देखिए तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है हमारा वो कम हुआ है. पहली बात तो हम अगर आप देखिए तो काफ़ी महीने करंट अकाउंट सरप्लस में रहे, वो फिर डेफिसिट हो गया था. अभी हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है जनवरी का, वो जनवरी में 65% से कम आया है एज़ कम्पेयर टू दिसंबर 2020. और जो अभी करंट अकाउंट डेफिसिट इट स्टैंड अराउंड $229 मिलियन, और मेरे ख्याल में दिसंबर 2020 में इट वॉज अराउंड 600 something million. तो करंट अकाउंट डेफिसिट वो कम हुआ है. ब्रेंट क्रूड आपका $65 पर बैरल से ऊपर है, अभी की प्राइस मेरे ख्याल में $66 समथिंग है. आपके प्राइवेट सेक्टर की बॉरोइंग बढ़ी है, इसका मतलब ये है कि आपका बिजनेस कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है. COVID-19 के केसेस खत्म हो रहे हैं, बिजनेस एक्टिविटी वापस आ रही है, इसको इस तरह इंटरप्रेट कर सकते हैं. तो इट्स अ गुड साइन. नेगेटिव्स में ये हुआ है कि आपकी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इट वॉज डाउन बाई 27% फॉर द डेटा ऑफ जुलाई टू जनवरी. और नेगेटिव में मैंने FATF को भी रखा हुआ है. अब ये मैंने क्यों रखा हुआ है ये इसको हम डिस्कस कर लेते हैं. आप अपनी स्क्रीन पे एक टेबल देख रहे होंगे. अगर आप ये टेबल देखें तो ये पाकिस्तान की परफॉर्मेंस का टेबल है कि अभी वह हमें ग्रे लिस्ट में किया गया था 2018 में समवेयर, और हमारा पहला रिव्यू था जनवरी 2019 में. उस टाइम हम जो लार्जली एड्रेस कर रहे थे, यानी कि फुली कंप्लाइंट ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं, वो एक पॉइंट पे थे. पार्शली जो इनकम्प्लीट थे वो 25 पॉइंट्स थे. अगर अब आप देखिए अक्टूबर 2019 में तो हम फुली कंप्लाइंट कर रहे हैं 5 पे, पार्शली 17 पे, यानी कि टोटली तकरीबन 22 पॉइंट्स हो गए और इनकम्प्लीट 5 थे. अगर आप हिस्ट्री देखिए ना FATF की, तो ये जो अक्टूबर 2019 में जिस किस्म की परफॉर्मेंस है, इसी परफॉर्मेंस में और कंट्रीज़ को फेवर दी गई और उनको ग्रे लिस्ट से निकाला गया. हम ये नहीं कहते चलिए आपने हमें इधर नहीं मिलनी थी पाकिस्तान को, बट एटलीस्ट अगर आप देखिए तो फरवरी का डेटा है कि 14 पे कंप्लाई, पार्शली 11, तो इट टर्न्स आउट टू बी 25 और इनकम्प्लीट 2 थे. और अक्टूबर में तो कोई इनकम्प्लीट था ही नहीं. अक्टूबर का रिव्यू उसमें भी हमारे पार्शली एड्रेस 6 थे, 21 पे फुली कंप्लाइंट हो रहा था, तो यहीं पे हमें निकल जाना चाहिए था अगर पाकिस्तान को निकाल दिया जाता. फरवरी में अगर आप देखिए तो इसमें भी 24 पे अब हम फुली कंप्लाइंट हैं, लार्जली एड्रेस है, और 3 पे पार्शली है, और अभी भी हमें ग्रे लिस्ट में रखा गया. इट इज़ अ डिस्क्रिमिनेटिव बिहेवियर. अगर आपको मैं आपको बताऊं तो दिस इज़ के पाकिस्तान से हर चीज़ बनवाई जी. अगर आप देखिए तो लॉबिंग तो आप सबको मालूम है ही है. फर्दर पाकिस्तान के FATF रिव्यू में प्रोटेस्ट भी हुआ पेरिस में, जहाँ तक हमें में आ रहा है कि
आई डोंट वांट टू गेट इनटू पॉलिटिक्स, बलूचिस्तान के सेपरेट्स और भी कुछ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट या जर्नलिस्ट जिनको एग्जाइल किया गया, सारे मिलकर उधर खड़े हुए थे। मगर फिर भी आई आई थिंक कि इस पे पाकिस्तान के साथ इट्स सो ऑब्वियस कि यहाँ पे इट्स नॉट अ फेयर फेयर। और मैं आपको अब इस पे कैफेट के पाकिस्तान के साथ फेयर नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होप है, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जी अगर कोई ये कह रहा है कि जून में वी कैन गेट आउट ऑफ इट अगर हम सारों पे कंप्लाई करेंगे। देखिए एक तो जहन में रखिए कि जो प्रेसिडेंट एफएटीएफ हैं उनका मेरे आपके सामने स्क्रीन पे कमेंट आ रहा है, उन्होंने कहा जी कि वी स्ट्रांगली अर्ज द कंप्लीशन ऑफ प्लान, कि उन्होंने कह दिया कि आप कंप्लीट करें प्लान को हर हालत में, यानी कि आपके जो 27 पॉइंट है वो सारे के सारे कंप्लाई हो रहे हों तभी ये बात होगी। उनमें से एक पॉइंट ये भी है कि प्रोसिक्यूशन की जाए हाफिज सईद साहब की, सच अ सेंसिटिव मैटर। फिर उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान जो है जो टेररिज्म फाइनेंसिंग है उसकी सारी इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन को इम्प्रूव करेगा और सब कुछ करेगा, और वो सारी जो कोर्ट्स हैं वो सारी इफेक्टिव होंगी, और उसके बाद एज सून एज पाकिस्तान शोज के इट हैज कंप्लीटेड ऑल दीज आइटम्स, ऑल ऑफ द आइटम्स, एफएटीएफ विल वेरीफाई एंड मेंबर्स ऑफ एफएटीएफ विल वोट। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि होता भी यही है कि यूजली जब एफएटीएफ ने करना हो कि जी मैंने हमने इनको ग्रे लिस्ट से निकालना, तो वो उनके लिए सबसे जो एक जो हमारे पास जो चांसेस हैं जो सबसे एक प्रॉमिसिंग स्टेप यही होता है कि एफएटीएफ एक टीम भेज देता है फिजिकल टीम के, जी जो सारे जो ये कह रहे हैं कि उन्होंने कंप्लाई किया उसको फिजिकली वेरीफाई कर लिया जाए और नेक्स्ट हियरिंग में ताकि हम इनको ग्रे लिस्ट से निकाल दें। उस टीम को भी अभी कॉल नहीं किया गया, और उन्होंने भी अभी यही बात की प्रेसिडेंट ने कि एफएटीएफ विल वेरीफाई एक टीम भेज के जब पाकिस्तान सारों पे कंप्लाई हो जाएगा और उसके बाद वोटिंग होगी। इट सीम्स लाइक मेरे ख्याल में मुझे ये कमेंट या ये कमेंट इतना प्रॉमिसिंग नज़र नहीं आता। मुझे लगता है कि इस एफएटीएफ हमारी जो ग्रे लिस्ट से निकाल के इसको व्हाइट लिस्ट में पाकिस्तान के लाने की बात है, इसको ड्रैग किया जाएगा। आई एम सॉरी आई डोंट वॉन्ट टू बी नेगेटिव या हो जाता है, मगर इट सीम्स लाइक कि इसको ड्रैग किया जाएगा और अभी भी इसको ड्रैग ही किया जा रहा है। और बट वंस वंस हमें एक भी इंडिया मिल जाए पॉजिटिव, अब मेरे ख्याल में ये पॉजिटिव नहीं था। आई डोंट नो मार्केट इसको किस तरह लेती है, मार्केट में ये बातें की जा रही हैं कि जी अभी जून में बड़े ब्राइट चांसेस हो गए हैं, सिर्फ तीन तीन रह गए हैं, हमाद अजहर साहब ने बड़ी अच्छे ट्वीट्स कर दी हैं एक दो, मगर ये हम अपने बारे में कह रहे हैं, दुनिया क्या कह रही है वो अलग बात है। सो अगेन आई डोंट वॉन्ट टू साउंड नेगेटिव, बट बींग ऑन प्रैक्टिकल एंड प्रेगमेटिक साइड आई थिंक ये चीज़ों को एफएटीएफ में ड्रैग किया जाएगा, पाकिस्तान को इतनी आसानी से नहीं निकाला जाएगा। अगर ये फुली मेरे ख्याल में शायद जून के अलावा हम शायद सितंबर तक बातें ना जा रही हूँ, ना ड्रैग करके जा रही हूँ, मगर ऑब्वियसली ऑब्वियसली जिस दिन भी हमारी मार्केट को नजर आता है साइन के वी गोना गेट आउट ऑफ एफएटीएफ, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी बूस्टिंग, क्योंकि 38 बिलियन डॉलर्स है जो पाकिस्तान में एफएटीएफ अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल आता है तो इट 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 इट्स वो पाकिस्तान की तरफ आ रहा है जो रुका हुआ है 38 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान का। मैं थोड़ा सा आपके साथ सेक्टर्स का रिव्यू कर लूं। अगर आप देखिए तो आपकी मार्केट सारी नेगेटिव ही रही, केमिकल्स सबसे ज़्यादा था 3.27%, ऑटोमोबाइल असेंबल वॉज डाउन बाय 1.99%, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन 1.63%, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन 1.51%, इनके रिजल्ट्स की बात की जा रही है, फूड एंड पर्सनल केयर वॉज डाउन, अगर आप देखिए तो टेक्सटाइल एंड कंपोजिट कमर्शियल बैंक्स ये भी सब डाउन में थे। अगर आपके पास कोई मेजर सेक्टर्स ग्रीन में थे तो वो टबैको और सीमेंट वॉज इन ग्रीन बाय 0.97%, फर्टिलाइजर भी आपका रेड में रहा। अब मैं अगर आपको चार्ट्स की तरफ लेके चलूँ तो हमारे पास जो अब इस टाइम इचिमोको क्लाउड है इट्स इट इट इज मोर लाइक थोड़ा सा ये भी आपको साइडवेज और कॉशियस अप्रोच की आपको इंडिकेशन कर रहा है कि आप थोड़ा सा कॉशियस रहिए। डिस्पाइट सेट दैट आपको अगर मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बताऊं तो इट्स ऑन अ वेरी वेरी गुड लेवल। हमारा जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है इस वक्त इट्स ऑन द वैल्यू ऑफ 48, और जो इसने जो अपना लो दिखाया है वो 41 का दिखाया था, ये भी पिछले दिनों ही दिखाया, और मैंने आपको बताई भी थी कि शायद इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की सपोर्ट हमें बड़ी स्ट्रॉन्ग 41 के पास 40 39 के पास नजर आती है, स्टिल इट इज़ अ वेरी गुड लेवल फॉर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। दूसरी बात एक तो जेन में रखिए, डिस्पाइट मैं आपको अगर एफएटीएफ को मैं कह रहा हूँ कि वो नेगेटिव है,
हमारे पास एक अनसर्टेनिटी खत्म हो गई है मार्केट में कि क्या होना है क्या नहीं होना है। पाकिस्तान को काफी चीजें क्लियर हो गई हैं, तो यहां से मुझे ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बहुत अच्छा नजर आ रहा है। अगर मैं इचिमोको को अब बिट साइडवेज भी कह रहा हूँ, मगर उसमें परेशानी की बात नहीं है, वो अभी फिर भी अपने एक बुलिश जोन में जरूर फॉल कर रहा है। लैगिंग स्पैन नीचे हो गई है, आपकी ये दोनों लाइंस मीट कर रही हैं। अनदर ग्रीन सेशन मेरे ख्याल में हमें मिलेगा नेक्स्ट वीक में, और ये इचिमोको को भी चेंज कर रहा होगा लाइकवाइज, और हमें मार्केट शायद यहाँ से बेहतर ही मिल रही हो, आगे मूव करती हुई नजर आ रही हो। बोलिंजर बैंड को देखिए, तो वो भी देखिए अपने अपने लोअर बैंड के बाद पहुंचा हुआ था, वो सोल लेवल के पास, और वहां से रिकवर करता हुआ वापस ऊपर जा रहा है, और आई थिंक कि अपनी अपनी रिकवरी ऊपर की तरफ रखेगा, क्योंकि स्टॉक हैस्टिक भी बिल्कुल अपने ओवर सोल्ड के पास ओवर सोल्ड पे है, और उसको वापस मूव ही करना चाहिए। हमारे पास अनसर्टेनिटी खत्म हुई हुई है। एमएसईडी आपको सेलिंग प्रेशर अभी भी इंडिकेट कर रहा है वाइडन गैप के साथ। यहाँ पे अगर आप देखिए तो विलियम्स एलिगेटर भी अपने बुलिश ट्रेंड बिल्कुल खत्म कर चुका है यहाँ पे। और मैं अब आपको यहाँ पर बताऊँ तो आपको वो एक न्यूट्रल एक कॉशस अप्रोच इंडिकेट कर रहा है। कमोडिटी चैनल इंडेक्स भी अपने ओवर सोल्ड लेवल पे है, आपको अपसाइड इंडिकेट कर रहा है। मैं केएसई ऑल शेयर डिस्कस करूँ तो सेम एस केएसई 100 इंडेक्स, बल्कि ज़्यादा कैंडल्स आपकी क्लाउड में भी फॉल हो रही हैं यहाँ पे। तो इट सीम्स लाइक कि ये भी इस टाइम आपको साइडवेज और कॉशस रहने के लिए इंडिकेट कर रहा है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज एट द वैल्यू ऑफ 43 फॉर केएसई ऑल शेयर, और स्टॉक हैस्टिक भी आप इस केएसई ऑल शेयर का अपने बिल्कुल ओवर सोल्ड पे है, और इट्स डिपेक्टिंग कि फर्दर आपको सेलिंग प्रेशर नजर आएगा मार्केट में। मैं अपने कंक्लूड करूँ अपने इसको आज के सेशन को, तो इचिमोको को मैं न्यूट्रल कैटेगराइज करूँगा। कमोडिटी इज बुलिश, बोलिंजर बैंड इज बुलिश, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को भी मैं बुलिश ही रखूंगा, मेरे ख्याल में यहाँ से इसको ऊपर ही जाना चाहिए। एमएसईडी इज बेरिश, विलियम्स एलिगेटर भी मैं न्यूट्रल रखूंगा, और स्टॉक हैस्टेक भी अपने बिल्कुल ओवर सोल्ड पे है। एवरेज ट्रू रेंज आपकी 531 पॉइंट्स, डिपेक्टिंग ऑन एवरेज आप इतने पॉइंट्स की फ्लक्चुएशन या वॉलिटिलिटी आप मार्केट में एक्सपेक्ट करेंगे। सपोर्ट, फर्स्ट सपोर्ट इफ मार्केट इज रेड ऑन मंडे आपको मिलती है, तो आपको 45,665 पे आपको पहली सपोर्ट है, उसके बाद 45,465 पे आपकी सेकेंड है, और थर्ड आपकी 45,178 पे है। आपकी रेजिस्टेंस आपको मिलेगी इन केस ऑफ ग्रीन 46,152, सेकेंड इज 46,439 एंड थर्ड इज 46,639। ओवरऑल ओवरऑल आई थिंक मार्केट इज गोइंग टू परफॉर्म, इसको करना चाहिए, मगर फिर भी मैं आपको ये कहूँगा कि थोड़ा सा कॉशियस जरूर रहिए। हमें कोई एफएटीएफ की तरफ से मेरे ख्याल में हमें बूस्टिंग फैक्टर नहीं मिला, कोई प्रॉमिसिंग पिक्चर अभी मुझे नज़र नहीं आती। हाउएवर मार्केट फिर भी इसके बारे में पॉजिटिव है, मार्केट में यही बातें हो रही हैं कि जून में बड़े ब्राइट चांसेस हैं, और मार्केट आपको पता है औरों की परसेप्शन पे आई थिंक कि ब्राइट चांसेस नहीं है, तो इट्स जस्ट मी। अगर मार्केट के ज़्यादा इन्वेस्टर समझ रहे हैं कि जून में ब्राइट चांसेस है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा, तो सीम्स लाइक कि वो उसके बारे में बुलिश हों और वो मार्केट को लेके जाएं। आपके ज़्यादातर इंडिकेटर्स अपने ओवर सोल्ड पे हैं, इस बेसिस पे ये इंडिकेटर्स आपको ओवर सोल्ड के पास हैं, तो ये आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि आगे मार्केट को परफॉर्म करना चाहिए। इचिमोको और विलियम्स इंडिकेटर को मैं वो मिडिल में रख रहा हूँ न्यूट्रल, बिकॉज ये अपनी बुलिश वो ट्रेंड को ख़त्म कर चुके हैं, मोर लाइक साइडवेज हैं अभी, क्लियरली बुलिश नहीं है। एमएसईडी जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टिल स्टिल बेरिश। डिस्क्लेमर एट द एंड, नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, नो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स, दिस इज द जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन वीडियो। आई होप आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे, यू मेक मोर मनी इन स्टॉक मार्केट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।